सोचो तुम्हारे पास तो माँ है, भाई है, बहन है, परिवार है, कोई ना कोई तो है ना। मेरा किसी ने कभी जीवन में ध्यान भी नहीं दिया। क्यों? बचपन से बाबा जी बन गए, किसी से प्यार नहीं, किसी से संबंध नहीं, कोई जानकारी नहीं, हम कहाँ हैं, वो कहाँ, किसी से कोई मतलब नहीं। अच्छा, जवान साधु कौन श्रद्धा करे? कभी गांव जाने की हिम्मत नहीं पड़ती कि रोटी मांग ले। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्या भावना कर ले। हम दरवाजे पे खड़े हैं, क्या कैसी भाव, जो हमारे सामने आकाश वृत्ति से आया यौवन अवस्था में वही पाया है, अन्यथा भूखे रह गए। जब हम हर समय अपने को विवेक के द्वारा सावधान रखे तो हम कभी निराश नहीं हुए, कभी उदास नहीं हुए, कभी ऐसा नहीं लगा कि यार हम दुखी, कभी नहीं लगा। उसी का फल है कि उस सुख का संकेत मिल गया जहां दुख की निशानी भी नहीं है। वही उसी के बच्चे हो, हम सब उसी धातु से बने हुए हैं। हम इतना क्यों परेशान हो जाते हैं? हम ये देखते हैं अपने लोग थोड़ी बात बिगड़ गई परेशान, नहीं बिगड़ी तो बिगड़ जाने की संभावना में परेशान है। आज सुख है लेकिन कल सुख छिन जाएगा तो हम आज के सुख में सुखी ना होकर कल के दुख की आने की संभावना में भयभीत हो, मतलब क्या हमारी सोच रह गई। हमको इतना बलवान बनना है कि सुख और दुख दोनों हमको छू न सके। बारिश से बारिश सुख की व्यवस्था है तो अहंकार नहीं,